Thank you.
ओम शांति। तो जब हम ये बात कहते हैं कि हमें बाबा का एक्सपीरियंस एज ए ज्ञान का सागर तो है ही, हम डेली मुरली सुनते हैं, एज ए प्यार का सागर भी है, प्यार भी अनुभव करते हैं, खुशियों का सागर भी है, आनंद का भी है, लेकिन वो शांति का सागर है, इस बात का एक्सपीरियंस क्या है? शांति जी शांति आवाज आ रही है भाई जी? ओम शांति। ऐसा अनुभव होता है जब हम शांति के सागर की संतान है या हमें वैसा अनुभव हो रहा है, तो उसमें फिर हमें शांति देनी नहीं पड़ती है। हम खुद इतने शांति में होते हैं, हमारा एक एक कर्मेंद्रिया इतनी शीतल होती है कि वो आपे ही, कोई भी सामने आत्मा आ जाए ना, ऐसे लगता है बह गई, वो चली गई उसके पास ऑटोमेटिकली, शब्द नहीं बोलने को होते, ऐसा महसूस होती है। और एक एक कर्मेंद्रिया शीतल होती है, इसकी पहचान ये है, ऐसा अनुभव होता है। ओम शांति। क्वेश्चन ये है कि जैसे बाबा शांति के सागर हैं, इस बात का एक्सपीरियंस क्या है हमें? इसका एक्सपीरियंस ये है कि हमारे संकल्प बहुत कम हो जाते हैं, और जब उसको एक्सपीरियंस करते हैं तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल विस्मृत और नष्टो मोह स्मृति लिब्धा में जाकर और निर्संकल्प होकर उसको अनुभव करते हैं, ऐसा हमें लगता है। ओम शांति। ओम शांति। हम जितना जितना श्रीमत पर चलते हैं तो हमारे क्यों क्या आदि क्वेश्चन नहीं होते मन में, कि जो बाबा करा रहा है, हम निमित्त है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, तो ऑटोमेटिक हमारे मन में संकल्प कम चलने से व्यर्थ कम हो जाता है और शांति ऑटोमेटिक हमें मिल जाती है। ओम शांति। ओम शांति। आज भी दादा ने कहा है कि तीन बिंदी नहीं भूलनी है, एक में आत्मा बिंदु, बाबा बिंदु और ड्रामा बिंदु। ये तीन बिंदी लगाने की वजह से जो हमारे मन के जो क्वेश्चन तो समाप्त होती ही है, लेकिन बाबा से हमें जो एनर्जी मिलती है, हिम्मत आती है, उससे जो भी जैसा भी समय है वो उस हिसाब से हम शक्तियों को भी यूज करते, तो शांति भी एक शक्ति है जिसमें सभी शक्तियां मर्ज रूप में रहती है। तो बाप दादा ने कहा हुआ है कि शांति की शक्ति का अनुभव अगर करेंगे तो उसमें सारी शक्तियां है ही, तो जैसा समय वैसे हम शक्ति स्वरूप बनते हैं, तो ये भी शांति की शक्ति का अनुभव करना ही है, ऐसे हमें लगता है। राइट। हम शांति, तो सबसे पहले तो मतलब हम शांति मेरे लिए क्या है, हम कैसे शांति को डिफाइन करते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि बाबा को हम कैसे फील करते हैं। तो पर्सनली व्हाट आई डिफाइन शांति इज, जहाँ पर डुअलिटी नहीं है, हमको दो चीजें नहीं है, कहीं पर भी
डिफरेंस नहीं है कि हमें चूज करना है, ये करना है या ये करना है, जहाँ पर सेम है, मतलब एक ही है, तो वो बाबा के पास, जैसे ही बाबा के बारे में सोचो या बाबा के पास जाओ, तो वो चीज जो फील होती है कि कोई कोई डिफरेंस है, मतलब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, मतलब आई डोंट हैव टू चूज, देयर इज ओनली दिस वे दैट आई एम डूइंग, दैट इज व्हाट इज, एंड कोई भी मन में हलचल नहीं है कि दुविधा है ये करना है या वो करना है, बस शांत, मतलब कुछ और नहीं, बस यही है. तो आई थिंक एवरी सबकी डेफिनेशन शांति की जो होगी उस पर डिपेंड करेगा बाबा कैसे ठीक करते हैं. ये क्यों रिलेवेंट था वैसे आज की मुरली के कनेक्शन में ये टॉपिक? Anybody can find आज की मुरली में ऐसा क्या है? क्योंकि हमें तीन बिंदी लगाकर बाबा ने कहा का खाता बढ़ाओ, तो जितना हम शांति में रहते हैं उतना हमारा जमा का खाता बढ़ता जाता है. और क्या हो सकता है? पूरी मुरली पढ़ने की भी चेकिंग है. ये जो बेफिकर बादशाह की बात जो की बाबा ने, उसमें भी बाबा ने ऐसा कहा है कि अगर बेफिकर रहोगे तो निर्णय सही लेंगे आप. इसलिए अगर कोई चिंता में रहता है तो हलचल में होता है, तो ये बेफिकर की स्टेज भी एक तरीके से शांति की स्टेज ही है. मतलब कोई क्वेश्चन नहीं है, फिकर नहीं, मतलब क्वेश्चन नहीं है तो फिर हलचल भी नहीं है, तो ये भी बेफिकर बादशाह मतलब शांति की स्टेज है. ये आज समझ में आया क्योंकि बाबा ने कहा तब क्लैरिटी रहती है क्या सही क्या गलत. खास करके बिजनेस वालों को कहा बाबा ने, क्योंकि एक गलत डिसीजन होने से बहुत सारा लॉस होता है. तो ये भी हो सकता है. ओम शांति. बाबा ने मुरली में ये भी सुनाया ब्राह्मणों कौन ठेका उठाया है विश्व परिवर्तन करेंगे, तो विश्व परिवर्तन तो शांति की शक्ति से ही हो सकता है. सबसे पहला ये सम्मति है. और इंजीनियर और वैज्ञानिकों से भी साइलेंस और साइंस के बारे में बाबा ने बात की आज डायरेक्टली. बाबा ने क्या कहा उनसे? में बाबा ने कहा कि साइलेंस भी एक विज्ञान है. साइलेंस का विज्ञान क्या है इसकी इन्हों को पहचान दो, वैज्ञानिक जो भी है उनको. तो साइलेंस के विज्ञान से क्या क्या होता है यह जानने से साइंस भी ज्यादा रिफाइन कर सकेंगे, क्योंकि हमारी नई दुनिया में भी विज्ञान तो काम में आएगा ना, लेकिन रिफाइन रूप में होगा. अभी के विज्ञान के इन्वेंशन में फायदा भी है तो नुकसान भी है, लेकिन नई दुनिया में रिफाइन विज्ञान होने के कारण नुकसान का नाम निशान नहीं होगा. तो ऐसे जो बड़े बड़े वैज्ञानिक है उन्हों को साइलेंस का ज्ञान दो, तो फिर अपनी नई दुनिया में रिफाइन विज्ञान का कार्य करने में मददगार बनेंगे. तो बाबा ने पूछा कितनी संख्या है विज्ञानिकों की, तो 350 आए थे, तो एक को और लाने को कहा बाबा ने. तो साइलेंस साइंस कैसे है? Any thoughts on this? It's a tricky topic, but manageable. तो साइंस क्या होता है कि जो एक के लिए एप्लीकेबल है वो सबके लिए एप्लीकेबल है. तो साइलेंस भी अगर भले ज्ञान में है, राजयोग में है, नहीं है, वो साइंस की शक्ति सबको फील होती है. एंड इसके लिए वो जो मिलियन मिनट प्रोग्राम चला था उसमें भी जो सबने किया था, तो बाबा भी जो कहते हैं कि कोई अगर एक मिनट भी साइलेंस क्यों फील करेगा तो उसको वो कशिश होगी कि वो वापस आए वहां पे. तो वो साइलेंस साइंस इसीलिए है क्योंकि वो सबके लिए एप्लीकेबल होता है. सो यूनिवर्सल एप्लीकेशन है, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया. अच्छा पॉइंट है. और क्या ऐसे हो सकता है? साइलेंस का साइंस क्या है? साइंस के साथ हम प्रैक्टिकल कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं. तो साइलेंस के साथ भी हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं.
कि कहाँ पर हम जब शांत रह सकते हैं तो सिचुएशन कैसे चेंज हो सकती है और हमारी अवस्था कैसे उसके अकॉर्डिंग चेंज हो सकती है जब हम साइलेंस में रहते हैं. तो जैसे साइंस में एक्सपेरिमेंट्स वैसे साइलेंस में भी एक्सपेरिमेंट्स. काफी अच्छे पॉइंट्स हैं, इनको हम नोट भी कर सकते हैं. और जितना हम साइलेंस में जाएंगे उतना साइंस भी रिफाइन होते जाएगा. साइंस वाले मटेरियल व्यू रहता उनका और हमारा स्पिरिचुअल व्यू है. हम स्पिरिट के महीनता में जा रहे हैं और वो एटम के मतलब मटेरियल के सूक्ष्मता में मतलब एटम में विश्वास रखते हैं. सो साइंस में वर्किंग की तीव्रता बहुत होती है. लाइक बाबा ने एक पीछे मुरली में भी बोला था, वर्ड नहीं सेम मैं यूज कर पा रही हूँ पर मुझे समझ आया था कि बहुत तीव्र गति से होती है जो भी. तो साइलेंस भी उसी तरह से तीव्र गति से काम करता है. और दोनों में समानता ये है कि जितना सूक्ष्म होते जाते उतना शक्तिशाली होते जाते. सत्युग में तुम्हारे जो प्लेन होंगे उसको खाली ऑन और ऑफ का बटन ही होगा, बाकी तो वो आपके संकल्प चलेगा. तो वो रिसर्च भी अभी होनी है, सत्युग में तो नहीं होगी. तो वो रिसर्च करने के लिए भी हमें साइलेंस की बहुत जरूरत है. हाँ, ये पॉइंट अच्छा लगा. जितना हम साइलेंस में जाते हैं हमारे संकल्प बहुत कम होते हैं और संकल्प कम मीन्स बहुत पावरफुल प्रसाइज और रिवॉर्डिंग होते हैं. तो विज्ञान बोलते हैं ना हिंदी में, जैसे विज्ञान, तो साइंस मीन्स विज्ञान. और जो साइलेंस है हमें ये इंस्पायर करता है उस ज्ञान से भी परे जाने के लिए. तो ऐसा एक सीनियर सिस्टर ने समझाया था और हमें लगता है साइलेंस में जाना मीन्स उन पावरफुल संकल्पों में टिक जाना जिनसे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट खोज होनी है या जो भी, जैसे बहन बता रहे पुष्प विमान का जो भी होना है. तो साइलेंस इन इटसेल्फ इट्स अ वेरी वेरी रिवॉर्डिंग स्टेज जहाँ पे हमारे पावरफुल संकल्प होते हैं और उनसे 100% सफलता होती है. तो दैट्स हाउ विज्ञान वर्क्स. और क्या पॉइंट हो सकता है बाबा? योग को विज्ञान कहते हैं जनरली. मुरली में बाबा कहते हैं ज्ञान विज्ञान नहीं है, योग विज्ञान है. जैसे विज्ञान मतलब साइंस का यूज यही है कि परिवर्तन होता है हमेशा, कुछ ना कुछ परिवर्तन हो रहा है. तो फिर और वो कैसे होता है इसके प्रूफ के सहित जो बोलते हैं वो साइंस है. तो हमारा भी बाबा तो हमें निमित्त विश्व को बदलने के लिए निमित्त बनाया है. तो और आत्मा और सारी सृष्टि का परिवर्तन एक महापरिवर्तन है, इसलिए योग भी विज्ञान है. जी, जैसे साइंस में लॉज होते हैं वैसे साइलेंस में भी लॉज हैं कि कुछ कंडीशंस फुलफिल करनी है एंड वो लॉज हमेशा काम करेंगे. जैसे क्या लॉ हो सकता है कोई? अब जैसे साइंस का लॉ है कि साउंड प्रोपोगेट करेगी इन वेव्स, तो साइलेंस भी अगर हम साइलेंस में हैं तो हमारी साइलेंस दूसरे तक पहुंचेगी ही, उसको वो फीलिंग आएगी. राइट, अच्छा एग्जांपल है. और अभी एक सोलर लाइट के सोलर सिस्टम के लिए भी ज्यादा रिसर्च कर रहे हैं क्योंकि अंत में तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो हमें सोलर सिस्टम पर ही डिपेंड करना होगा. लेकिन उसमें वो एक बात फिर दूसरी खेती की है कि खेती में भी जो मैंने सुना है कि जो अनाज पक रहा है गेहूं आदि तो इतना भरपूर होते हैं कि हम थोड़ा खाते हैं और हमारा स्टमक फुल हो जाता है. तो उसमें इतनी शक्ति मिलती है. ओम शांति. जैसे टेलीफोन डायरेक्ट यू नो कम्युनिकेशन है वैसे टेलीपैथी भी डायरेक्ट कम्युनिकेशन है एंड कंफर्म कम्युनिकेशन है. साइंस पावर है, साइलेंस भी पावर है. बाबा कहते हैं कि साइंस की जननी भी साइलेंस है. जब वो अंडरग्राउंड जाते हैं साइलेंस में जाते हैं तभी
साइंस का मतलब इन्वेंशन होता है, तो साइंस इज सुपीरियर देन साइलेंस। हाँ, दो बातें हैं, एक है जैसे कन्वर्जेंस, एक है डाइवर्जेंस। सो वी आर नॉट डिस्कसिंग साइंस वर्सेस साइलेंस, लेकिन हम कर सकते हैं क्योंकि फ्लेक्सिबल सिस्टम है थोड़ा, बट हमारा पॉइंट है कॉन्ग्रुएंस कैसे है। एंड तो अभी एक जैसे साइंस साइंस में वो सोलर लाइट को कंसंट्रेट करते हैं तो आग लगती है, तो अगर तो जो योग अग्नि होती है तो उससे भी जो मतलब सोलर तो खाली वो जो मसूल चीजें हैं वो जला सकती है, हमारी साइलेंस की शक्ति को हमारे विक्रम विनाश कर सकती है। एक दो और की पॉइंट्स आ सकते हैं इस पे कि साइंस कैसे साइलेंस कैसे साइंस। अगर हम ये याद करेंगे साइंस के क्या क्या फंक्शंस हैं, साइंस क्या क्या करती है, कुछ पॉइंट हमने ले लिए हैं, एक दो पॉइंट और आ सकते हैं। साइंस हमारी लाइफ को इजी करती है, तो साइलेंस भी हमारी लाइफ को इजी बना देती है। साइंस इन्वेंट भी करती है, खोज करती है, तो वैसे ही साइलेंस भी बहुत खोज करती है। हमारी जो एक शाश्वत स्टेज है उसकी खोज होती है साइलेंस से। हमारे जो मेन स्टेज है सोल कॉन्शियस की और बहुत प्यारी भरपूरता सेवन वर्च्यूज की, वो साइलेंस से ही आती है, तो दोनों में खोज होती है, एक इन्वेंशन है। तो साइलेंस भी इट लीड्स टू ग्रेट इन्वेंशन। Any other last point? साइंस से हर काम एफिशिएंटली होता है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है हमारी, और जैसा कि भगवद गीता में भी लिखा हुआ है योगा कर्मसु कौशलम, तो उस बात से भी कनेक्ट करें तो ओवरऑल इफ वी आर मोर साइलेंट देन वी आर मोर एफिशिएंट, हमारी प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी सब ज़्यादा हो जाती है, वी कैन डू अ लॉट मोर थिंग इन लेस टाइम। So, do you agree with this? वैसे ओम शांति, टेलीपैथी तो आया, कनेक्टिविटी को डाल सकते हैं क्या अदर एक्सपेक्ट में, क्योंकि साइंस से कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, तो यू नो साइलेंस से भी कनेक्टिविटी हम एक तो है, हमारी टेलीपैथी तो है ही है, अदरवाइज भी हम कनेक्ट होते हैं और भी तरीकों से। जी ठीक है, अभी हम टॉपिक चेंज करते हैं, साइलेंस का काफी टॉपिक हो गया। बाबा ने कहा कि वाह वाह के गीत गाने का युग है संगम युग, तो हम ऐसी सिचुएशंस को आइडेंटिफाई करेंगे और उन वर्ड्स को हम यूज करके बोलेंगे। सिचुएशन उतनी फेवरेबल नहीं है, लेकिन हम बोलेंगे कि जैसे कि ट्रेन छूट गई, वाह बाबा वाह, या वाह ड्रामा वाह। ऐसे प्रैक्टिकली आपको क्या क्या हुआ है लाइफ में और आप किन सिचुएशंस में ये रिपीट कर सकते हैं, अगर ऐसा हो जाए तो भी वाह बाबा वाह या वाह ड्रामा वाह। मिस प्रमोशन वाह बाबा वाह। ओके, लेकिन क्यों, आपने अपने माइंड को कैसे जस्टिफाई किया? तो नथिंग न्यू का बहुत फर्क पड़ता है, एज इन कि जो बाबा कहते हैं कि जो पहले हुआ है वही वो ड्रामा में जो होना है वो हो रहा है और सब कुछ अपने समय पर होगा, ये बहुत हेल्प करता है जब भी ऐसा सिचुएशन आता है। हाँ जी ठीक है, कोई इंसल्ट करे डिसरिस्पेक्ट, हाँ वाह 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 वाह, बिकॉज मैं अपने आप में ही इतनी यू नो रिस्पेक्ट फील करती हूँ, तो वाह 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 वाह, जरूरत ही नहीं है कहीं से रिस्पेक्ट। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा, इसके ऊपर जी हमने कोविड के लिए बोला है, जैसे झूठ नहीं बोलेंगे, एक साल प्लस हो गया, अभी तो थोड़ा सा लग रहा है ड्रेजरी टाइप, यू नो मोर कीन फॉर आउटिंग्स, बट इनिशियली एट मंथ्स हमने इतना वाहवा किया बाबा को, इतना वाहवा किया कोई हिसाब ही नहीं था, और जितना वाहवा किया उतना फेवरेबल भी हो गया, वो टाइम भी, वो पीरियड भी, वो टॉर्चर्स भी, वॉट एवर इट वॉज, ग्रेट ग्रूमिंग कहते ना, वो तराशा जाता है तंगी में, तो हमें लग रहा है कि कोविड का टाइम हमारा बेस्ट था स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट का। दैट्स हाउ आई कैन से वाह वाह वाह। यस
हर हर रोज अमृत वेले उठते ही हम ये तीन बातें कहते हैं, वाह बाबा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह, और वाह ड्रामा वाह। क्योंकि एक मुरली में कहा था बाबा ने, हमें साल नहीं याद आ रहा है, लेकिन उस मुरली में बाबा ने कहा था कि कल आप अमृत वेले उठेंगे, तो ये तीन वाह वाह याद रखना है। और तब से हम हर रोज कहते हैं बाबा को उठते ही कि वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, और वाह मेरा भाग्य वाह। तो आँख खुलने के लिए वाह वाह, और सारे दिन बाबा जो भी लाएगा सामने उस सब के लिए पहले ही वाह वाह। फिर भी फेवरेबल सिचुएशन में तो इजी है, लेकिन जैसे अभी बहनों ने बताया ऐसे और क्या क्या हो सकता है जी? ये फिजिकल के ये बीमारियों के पेपर आए थे, तो ये वाह वाह के गीत ने बहुत स्टेबल किया माइंड को, खास करके जब शारीरिक हिसाब किताब आते तब। आपकी बात नहीं मानी जा रही, आपने कुछ बोला और मानी नहीं जा रही, तो वाह बाबा वाह, अच्छी बात है, नहीं मानी जा रही। क्यों अच्छी बात? क्यों अच्छी बात है? ऐसा लगता है अच्छी बात है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो गई, मुझे ऐसा महसूस हुआ था एक बारी। रियलिटी में बोलेंगे कि बात नहीं मानी गई, मेरे को लगा वाह बाबा वाह, कम से कम बच गए, अदरवाइज और क्वेश्चंस आते तो आंसर देने पड़ते, तो पीछे हो गए हम लोग। ये सच्ची में हुआ, ये महसूसियत हुई कि जैसे मान लीजिए बच्चा ही कोई चीज आपसे बोलता है ना, और मतलब आप बोल रहे हैं उसको, वो नहीं मान रहा, उसके आगे कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं, तो एटलीस्ट आप बच गए कॉन्वर्सेशन में आने से, तो ऐसे लगता है वाह 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 वाह, ठीक है अपने आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है इट्स ओके। और एक और है, बहुत अच्छा हमने एक्सपीरियंस किया था, लाइव है, मे बी इससे रिलेट होगा। घर में बात चल रही है और मुझे इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा, टेलीफोन पे बात कर रहा है कोई, इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा, तो अच्छी बात है मुझे इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा, क्योंकि उससे आने वाले जो भी आगे प्रॉब्लम्स होंगी या जो भी कॉन्वर्सेशन होगी उससे मैं बच जाऊंगी। और ये हमारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, पहले मन चलता था कि मुझसे क्यों नहीं पूछा जा रहा, अब लगता है बहुत अच्छी बात है, हम कान भी नहीं लगाते उस तरफ, ध्यान ही नहीं होता, क्योंकि हम अपने स्टडी में बिजी हो जाते हैं, उनका ध्यान ही नहीं है हमारी तरफ, क्योंकि हमारा ध्यान उनकी तरफ नहीं है, तो ऐसे अच्छा लगता है कि अच्छा हमसे पूछा नहीं जा रहा, वाह 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 वाह, नहीं हमसे कोई भी हमसे कोई भी कह सकते हैं ना कि हमसे सजेशन ही नहीं लो, ऐसे अब वर्ड आया, हम बात नहीं कर पा रहे थे कि हमसे कोई सजेशन नहीं लिया जा रहा, वाह 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 वाह, ये था मतलब कहने का तात्पर्य, बड़ी हो गई बात, आई एम सो सॉरी। एक एग्जांपल और इसमें देंगे, मेरा ना अभी ड्राइविंग लाइसेंस खत्म हो गया था, तो बहुत पहले तो बहुत वो लग रहा था कि कैसे चलाएंगे, मतलब बिना गाड़ी चलाए कैसे रहेंगे, लेकिन ओवर द पीरियड ये हुआ कि जब वो ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था तो मेरे को बस लेनी थी, ट्रेन लेनी थी, तो मेरा ये मुरली का पढ़ाई बहुत अच्छे से हो जाता था। अभी तो आ गया, लेकिन उस समय भी लगा कि चलो अच्छा हुआ है, उस समय नहीं हुआ, तो ये टाइम मेरा जो एक्स्ट्रा मिल रहा था वो मेरे को मिला, वरना अदरवाइज आई वुडंट हैव एक्सप्लोर्ड दिस टाइम। अच्छा पॉइंट है ये एक्चुअली प्रैक्टिकल पॉइंट है। आज की मुरली में बाबा ने रिचेस्ट कहा, और रिचेस्ट होंगे हम खजानों के बेसिस पे, और खजाने भी लंबे टाइम तक जमा करने, पर कौन कौन से खजाने हैं? समय, श्वास, संकल्प, गुण। चलो एक सेकंड ले रहे हैं समय। हाँ जी, गुण 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 भी है, गुण शक्तियां और ज्ञान। आज की मुरली में नहीं है। ओके, खुशी, दुआएं, आज की मुरली में जो है बस वही ले लेते हैं, आज की मुरली में तो इतने ही है और नहीं है। और खजानों को बढ़ाने की विधि क्या है? बिंदी लगाना। बिंदी, बाबा ने क्या चेक करने के लिए बोला मुरली में? रूहानी नशा, बाबा ने बोला, बाबा ने रूहानी नशे की बात की, मैं कौन, तो यह नशा इमर्ज रूप में रहेगा तो जमा का खाता बढ़ता रहेगा, बाबा ने बोला। तो हमें ये चेक करना है कि सारे दिन में हम कितना जमा करते हैं या कब आते हैं।
क्योंकि एक जन्म के लिए नहीं है, हर जन्म के लिए है। और फिर पूछा जन्म जमा करने की विधि जानते हो कि नहीं जानते हो, और सदा शुभ भावना और शुभ भावना ऐसा रहता है। और संगम योग कौन सा योग है? मजे का युग है। बोझ उतारने का युग है। संगम युग के लिए बाबा ने यह भी कहा कि हमेशा इमर्ज रूप में यह स्मृति रहती है या नहीं रहती है, क्योंकि इमर्ज हो जाता है तो हम उसके महत्व को कम कर देते हैं। और किस चीज का योग है? और सॉरी और क्या? और किस अच्छा और किसका युग है? सहज करने का युग है, बाबा को बोझ देने का युग है, मुश्किल नहीं करना है। मजे का योग है, मजे मारने का बाबा के साथ। मजे हो गए। जमा करने का। राइट। फिर बाबा कहते कि ब्राह्मण अर्थात अलौकिक ब्राह्मण जीवन का महत्व बहुत बड़ा है, प्राप्तियां बड़ी है, स्वमान बहुत बड़ा है, और संगम के समय पर बाप का बनना यह बड़े ते बड़ा पदम गुना भाग्य है। और इन सारी बाबा ने लाइन बोली। हाँ जी सॉरी, एक बार बाबा ने लाइन बोली कि तकदीर की तस्वीर में तकदीर की तस्वीर को नॉलेज के आईने में देखना है हमें, तो वो हमें चेक करते रहना है कि ये आईना हमारा क्लियर है और चेकिंग चल रही है या नहीं। राइट। और इन सारी बातों के बीच में ये बात जरूर जरूर याद रखनी है कि ऐसा नहीं है कि समय का तो पता चलता ही जाएगा। बाबा ने कहा नहीं, समय की समाप्ति अचानक होनी है। This has to be the line of, with us forever. और ये भी कि हमें बहुत समय के लिए जमा करना है तो बहुत काल का अभ्यास चाहिए। Right. बाबा हमारा टीचर है, समय टीचर नहीं बने। जी तीन लोग
शक्तियों से भगवान ने किया है। संगम युग के सुख के आगे सतयुग का सुख भी क्या है, सतयुग का सुख भी क्या है। कर लोरी